किसी भी समाज का उत्थान हमेशा महिलाओं से होता है और हम लोग इस वक्त फतेहपुर छुटमलपुर में हैं। आज महिलाओं की राय जानना चाहते हैं और एक छोटी सी गली है, इसमें कुछ महिलाओं ने हमें पुकारा। हम जैसे गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हम भी कुछ चुनावी राय देना चाहते हैं, तो उनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम, अपना नाम बताइए और बताइए नगर पंचायत छुटमलपुर में क्या माहौल है। सर, नगर पंचायत छुटमलपुर में वैसे तो बहुत कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अपने सुनील प्रधान से, क्योंकि उन्होंने 5 साल में पहले भी बहुत विकास किया है और रात को कोई इमरजेंसी होती है, कोई भी महिलाओं को दिक्कत होती है, वो एकदम बाहर आते हैं, हम पुकारते हैं। यही के बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और हम अच्छा जो जो काम किए हैं उनको थोड़ा गिनाइए, चूंकि पूरा नगर पंचायत आपको सुन रहा है। शौचालय बनवाए, अच्छा काम किया और हमारी साथी दिन रात खड़े रहते हैं। अच्छा, दिन रात खड़े रहते हैं, आगे आओ, दिन रात खड़े रहते हैं मुश्किलों में या जैसे हमारे पास कोई दिक्कत आती है, हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं। जी हाँ। चची बताइए क्या कहना चाहेंगे, नगर पंचायत में किसको चेयरमैन बनाना चाहती हो? सुनील प्रधान। सुनील प्रधान को कोई उनसे लालच है या स्वार्थ है या क्या? लालच कुछ नहीं है, लालच कोई नहीं है। आप भी बताइए, आगे आइए आगे। जब भी कोई दिक्कत आती है ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, जब भी फोन करते हैं, जब भी बाहर आते हैं। जी हाँ, हम सुनील प्रधान को चुनना चाहते हैं अपने गाँव के लिए, हम अच्छा विकास किया है हमारे गाँव के लिए उन्होंने। हम भी चेयरमैन सुनील प्रधान को चुनना चाहते हैं, क्योंकि वे अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं। बोलो बोलो, अच्छा उन्होंने क्या क्या विकास किया है आप बताओ? उन्होंने शौचालय बनवाए हैं यहाँ पे, जो भी दिक्कत होती है सब समाधान करते हैं उनका। तो 12 महीने वो ऐसे ही आपके साथ आते हैं, इलेक्शन के टाइम में साथ हैं? नहीं, 12 महीने 24 घंटे साथ रहते हैं पूरे साल, 24 घंटे साथ है हमारे। तो ये जो गली है, जो आपने एक हुजूम बनाया है, कहीं रणनीति बनाई है, उन्हीं के बारे में बोलोगे या सच्चाई है उनके अंदर? सच्चाई है जी, सच्चाई है जी। अच्छा, जैसे वो प्रधान रहे, उसका कार्यकाल के बारे में बताओ, आगे आओ। उन्होंने बहुत सुधार किया है, महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, बच्चों के हर मुश्किल में साथ देते हैं सबका। देखो गली में भी पहले यहाँ पे ईंटा बिछी हुई थी, अब सड़क की। हाँ, कैमरामैन जरा कैमरा लगा के दिखाइए, महिलाएं बता रही है, देखिए गली कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर बन रही है। और एक छोटी बच्ची भी खड़ी, उनसे भी बात करते हैं। आप भी बताओ, वोट है आपका? तो क्या कहना चाहती हो, अगर वोट नहीं है तो आपका नजरिया क्या है? मैं तो नहीं जानती कि विकास और राजनीति होता क्या है, बट मैं जानती हूँ कि सुनील जी अच्छे व्यक्ति है और उन्हें अब की बार चेयरमैन बनना चाहिए। अच्छा, अच्छे व्यक्ति है, अच्छे की क्या परिभाषा है, क्यों अच्छे हैं? वे अपने कार्यों से अच्छे होते हैं, क्योंकि वे हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं। और इनकी मम्मी है, इनसे लास्ट सवाल और करते हैं, आप क्या कहेंगे अल्टीमेट? ये जो गली है, ये एड्रेस है, थोड़ा इसको बताइए क्या एड्रेस है, ये पता क्या है मतलब यहाँ का? फतेहपुर भादो कलसिया रोड फतेहपुर भादो में इन सब महिलाओं ने शायद एक जुटता अख्तियार की है और वो इकट्ठी हो गई है और वो कहती हैं कि इस बार तो बदलाव लाना है, हर हाल में सुनील प्रधान जी को हम वोट और सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और दिगर गलियों में जाके कोशिश करते हैं महिलाओं की राय जानने की और क्या क्या महिलाएं कह रही हैं। ये कुछ लोग बाग यहाँ पर खड़े हुए हैं, चूंकि नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है और लगातार गलियों में गुफ्तगु है, डिस्कशन है आपसी सियासी, यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम, अपना नाम बताइए, क्या माहौल लग रहा है नगर पंचायत छुटमलपुर में इस बार? बढ़िया लग रहा है। किसकी तरफ जा रहा है आपका, अपना नजरिया क्या है? भाई तो बाद में पता चलेगा, अभी तो बस कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? हाथी की तरफ जाओगे हम तो, हाथी का आदमी हम तो। अच्छा अच्छा, हाथी के आदमी आप? भाजपा। देखिए सर, जो माहौल फिलहाल अच्छा है, अभी इसके बारे में किसका डंका बज रहा है किसका नहीं, वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ सही बोल रहे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले ग्राम पंचायत थी, अब नगर पंचायत बन गई है, तो जो बराबर के जो तासुरात हुए हैं, जो असर आपको लगते हैं वो क्या है? देखिए जी, जो हमारे साथ है हम तो उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ सुनील भाई रहे हैं। जो बंदा विकास करेगा, उसके साथ है, जो बंदा विकास करेगा, जो जनता के लिए दिन रात मेहनत करेगा, उसी के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे सब। और आप भी बताओ, बड़ी उदासी बैठी हो, क्या माहौल है नगर पंचायत में छुटमलपुर में, क्या लगता है, जो भी आपका मन है, ये उदासी की वजह क्या है, जबकि शोर मचा हुआ है? हमें तो पता ही नहीं अभी, हमें नहीं पता। अच्छा, कौन कैंडिडेट है जिसको वोट देने का मन है?
मन वोट दे दे, दे हम तो सब जो कोई मांगेगा सबको दे देंगे। और एक वोट सबको कैसे दे दोगी? हमारे चार पांच है, एक का भी देंगे जब दे देंगे। तो किसी खास तरफ नहीं जाने का मन है? अभी तो पता ही नहीं है कुछ, जब पता चल जाएगा तो हम उसी की करेंगे सपोर्ट। और लास्ट में बिल्कुल एक एक लाइन में और बताइए, किस तरह का विकास चाहते हो और पिछली क्या खामियां रही है? भाई जो गरीब का साथ देगा हम उसके साथ खड़े होंगे, बस ये बात सही है। जो गरीब के साथ में खड़ा वो पीछे फैजान बना उन्ना भरे एक चौनी का काम नहीं करा, दल्ले जो बीच के दल्ले बन जाए सड़े खड़े बड़े हो जा, फिर गरीब का साथ कौन देगा? अच्छा गरीब का साथ कौन देने की चांसेस बन रहे हैं इस बार? मैं कहते देखेंगे जो झुका का कौन है जिसने साथ नहीं दिया। हम बहुत कुछ कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं, फिर बाद में कहने को बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं आया। ऐसे कौन कौन कैंडिडेट हैं जिसने इस पद पे काबिज होने के बाद पब्लिक को ठगा है छला है? अरे कितने कितने दल्ले हो जा, बाजे बाजे लोगों की लैटरिंग है सार के खा के। हाँ तो इस बार क्या चाहते हो कि सारी दुरुस्त हो जाए, व्यवस्था कैसे? भाई जो साथ देगा ना हम तो उसका साथ देंगे, हमारा फॉर्म भी लेंगे वो भी लेगा, सारा कुछ लेगा सबूत, फिर वो नहीं करा उन्होंने। और मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ जो हाई प्रोफाइल ऑफिस में बैठे हैं चैनल पे बोलते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ग्राउंड की रिपोर्ट कुछ और है, ग्राउंड की दस्तक कुछ और है। ग्राउंड पे चलाते चलाते भाई 25 साल हो गए, रिक्शा चलाते चलाते आज तक एक काम नहीं सुधारा हमारा किसी ने, कोई विकास नहीं हो रहा आजकल, कोई प्रधान भाई हमारा कोई काम नहीं सुधारा, भी जा रहे खींच के बता क्या करेंगे, अब अज्जा खींच रहे। चेहरों पे शिकन है, कुछ आक्रोश है, कुछ गुस्सा है, और इसी तरह से ये खूबसूरती होती है, दिस इज अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अलग अलग राय सबकी होती है, ऐसे ही हम अलग अलग गलियों में और दूसरी गली में देखते हैं लोग अपनी क्या राय रखते हैं।